मध्य प्रदेश के बैतूल में पिछले साल 18 नवंबर को प्रॉपर्टी ब्रोकर नंदू मालवी की महिला मित्र फुलवा और नौकरानी गीता की हत्या की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझा ली है। इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री में ब्रोकर और उसकी महिला मित्र के भतीजों की अहम भूमिका थी। 12 महीने पहले हुए इस हत्याकांड के रहस्य को 12 अफसरों की SIT टीम ने सुलझा कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह जमीन जायदाद का विवाद कारण बताया जा रहा है। पिछले साल बैतूल के गंज थाना इलाके के भग्गू ढाणा में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर नंदू मालवी, उसके साथ लिव इन में रहने वाली आदिवासी महिला फुलवा और उसकी नौकरानी गीता की धारदार हथियारों से कटी हुई लाशें उनके घर पर मिली थी। 18 नवंबर 2019 की रात नंदू के घर मिली इन लाशों के मिलने के बाद जहां पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था, वहीं इलाके में सनसनी फैल गई थी। उस समय SP के कार्तिकेयन ने इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने एक SIT गठित की थी जो लगातार इस हत्याकांड से पर्दा उठाने की कोशिशें कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में नंदू के भतीजे जितेंद्र उर्फ जित्तू को घटना के 9 दिन बाद 29 नवंबर को हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जो जमानत पर बाहर आया था। लेकिन मुख्य आरोपियों के न मिलने और मृतक के एक हाथ का पंजा गायब होने से यह ट्रिपल मर्डर पुलिस के लिए एक केस बना हुआ था। SIT ने इस मामले में बारीकी से छानबीन की तो कई परतें खुलकर सामने आ गई, जिसमें खुलासा हुआ कि फुलवा का भतीजा अशोक धुर्वे उसकी मिलानपुर स्थित जमीन पर खेती कर रहा था, जिसे फुलवा ने किसी को बेच दिया था। जमीन से इस बेदखली से अशोक उससे नाराज हो गया था। इसी बीच नंदू का भी अपने भतीजे जितेंद्र उर्फ जित्तू से प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। गणेश स्थापना के दौरान दोनों मिले तो उन्होंने एक दूसरे को इन झगड़ों का जिक्र किया और फिर दोनों ने नंदू और फुलवा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। घटना वाले दिन अशोक नंदू के घर पहुंचा जहां उसका फुलवा से विवाद हो गया। इसी बीच वहां नंदू भी पहुंच गया। नंदू ने यहां अशोक को तमाचा मारा तो झगड़ा बढ़ गया। गुस्से में भरे अशोक ने यहां नंदू की हत्या कर दी, फिर फुलवा और घटना को देखने वाली नौकरानी को भी मार डाला। इस हत्याकांड को अशोक और उसके साथी सतीश श्रीराम जू और उसके फर्नीचर मार्ट के कर्मचारी योगेश अजय रवि चावरे कमलेश सोनी ने मिलकर अंजाम दिया। खास बात यह रही कि इस हत्याकांड में आरोपी मृतक नंदू के हाथ का पंजा अपने स्थल से गायब था, जिसके बारे में पता चला कि उसमें सोने की अंगूठी निकालने वे पंजा अपने साथ ले गए, जिसे बाद में चला दिया गया। टीम भारती न्यूज। ये घटना पिछले साल 18 नवंबर को हुई थी और ये काफ़ी दिनों से लंबित चल रहा था अपराध इस ज़िले का, और इसमें पूरी एक टीम लगाई गई थी और विवेचना के दौरान एक संदिग्ध से हम लोगों ने पूछताछ की, जो मृतिका थी। इसमें 3 लोगों के मर्डर्स हुए थे, एक नंद किशोर मालवीय, उसकी पत्नी फुलवा और उनके यहाँ काम करने वाली एक नौकरानी थी गीता। घर में 3 ही लोग थे और सभी का मर्डर हुआ था, और इसमें बड़ा संशय की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कहाँ से क्रिमिनल्स आए और किन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। इसी के तारतम्य में सभी आरोपियों से, सभी संदिग्धों से काफ़ी पूछताछ की गई थी, जो नाम सामने आए थे उस दौरान। और अभी पुनः एक नई टीम का गठन किया गया था 15 दिन पहले, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मृतिका थी फुलवा, उसके भतीजे से पूछताछ की गई, जिसका नाम अशोक है, और उससे पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए और उन्हीं बिंदुओं से विस्तार में पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया। और इसी के तारतम्य में उसके साथ जो सह आरोपी थे, इसमें 6 लोग और हैं, और इस तरह से कुल 7 आरोपियों को राउंड अप किया है टीम ने। इसमें अलग अलग एविडेंसेस हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पे, और जो साइबर हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मैम, क्या वजह निकली पूरे हत्याकांड की? इसमें मूल वजह जो है वो प्रॉपर्टी विवाद ही ले होकर आया है। इसमें जो मृतक था और जो मृतिका थी, उनके अपने कोई संतान नहीं थे, उन्होंने अपने भतीजे को ही गोद ले लिया था। और इसके उपरांत अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी एक नातिन जो थी दूर की, उसको भी गोद ले लिया था। तो इसी कारण कुछ विवाद और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सामने आए थे। जो मालवीय परिवार, जो नंद किशोर मालवीय हैं,
उनके परिवार में भी बहुत सारे प्रॉपर्टी को लेके और ज़मीन को लेके विवाद थे, और जो मालवीय परिवार है वो पहले से ही काफ़ी फर्जी रजिस्ट्री और इस तरीके के आरोपों से उन पे लग चुके हैं, जिसकी जांच जो है सीबीआई द्वारा भी की जा रही है। और इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पे हम लोगों ने पूछताछ की है, और जिसके आधार पे 7 आरोपियों को राउंड अप किया गया है। आरोपियों ने घटना को किस तरह से अंजाम दिया था, क्या कुछ पता चल पाया है? इसमें ये मालूम चला है कि ये काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी, और ये जो द्वेष की भावना है वो धीरे धीरे जो रिश्तेदार हैं इनके अशोक और जो मालवीय परिवार है उनके बीच काफ़ी प्रॉपर्टी को लेके आपस में मनमुटाव चल रहा था, और कई बार पब्लिकली भी इनकी आपस में लड़ाई भी हुई है जिसको काफ़ी लोगों ने देखा है। और इसी सब तारतम्य में इन लोगों ने एक पूर्व नियोजित तरीके से कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं जिनका पूर्व में भी रिकॉर्ड है और पूर्व में भी अरेस्ट हो चुके हैं, उन लोगों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें ये मालूम चला है कि नंदू मालवीय का जो हाथ का पंजा था उसमें एक अंगूठी थी जो आइडेंटिफाई की गई है, और वो अंगूठी हमने रिकवर की है आरोपियों से। हाथ के पंजे का इनका ये कहना है कि उसको हमने जला के और नष्ट कर दिया था। प्राथमिक जांच के समय क्या भूल रही पुलिस की, कितना समय लग चुका इस पूरे मामले को लेकर? उस दौरान एक्चुअली जो इनके नज़दीकी रिश्तेदार थे उनसे इतना सघन पूछताछ नहीं हो पाई, और ऐसी कोई शंका की बात इस प्रकार से नहीं आ रही थी। जो अब हम लोगों ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की और जो पूर्व में बयान दिए गए थे और जो अब पुनः बयान लिए गए हैं तकरीबन 12 महीने के बाद, उसमें कई ऐसे बिंदु आए जो पहले नहीं बताए गए थे, और कुछ विरोधाभास भी आए जिसकी हम लोगों ने तस्दीक की गई पुलिस की टीम द्वारा, और फिर उस आधारों पे हम लोगों को शंका हुई और उसी आधारों पे पूछताछ की गई। इस मामले में सीडीआर का एक महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा था कि सीडीआर रिपोर्ट के अनुसार ये सब किया है, क्या पहले जो सीडीआर रिपोर्ट निकली थी वो कुछ गड़बड़ थी? नहीं, सीडीआर तो सेम रहती है, वो एक फिक्स्ड डेटा है हमारे पास, पर उसका जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं शायद पुरानी टीम से कुछ बिंदु मिस हो गए थे जिसके कारण खुलासा नहीं हो पाया। सीडीआर और अन्य कारणों से कितने लोगों से करीब पूछताछ की गई? देखिए, इसमें कई बहुत अलग अलग एंगल्स आए, जो शुरू से अगर हम लें तो बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई, क्योंकि इनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत सारे लोगों से था। कई प्रॉपर्टी के भी धंधे थे इनके, खेती के भी थे, फिर इनकी एक फैक्ट्री थी उससे भी रिलेटेड थे, इनके रिश्तेदार थे, तो बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई है, और अंत में जिस पे पुलिस को संदेह हुआ उनसे पूछताछ करके हमने 7 आरोपियों को राउंड अप किया है। जो सोच है उसकी, जो प्लानिंग है उसके अंतर्गत ही पूरा काम हुआ है, तो मुख्य तो किरदार इसमें जो भूमिका है वो जीतू मालवीय की है, और लेकिन जो अपराध घटित करने वाली जहाँ बात आती है तो वहाँ ये 7 आरोपियों को हमने राउंड अप किया। कॉन्ट्रैक्ट किलर से कितने के पेमेंट करके डील हुई थी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स एक्चुअली इनके पूर्व में रिकॉर्ड्स हैं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं ये जो आरोपी हैं इनके गांव के ही रहने वाले हैं। नंदू और दुआ के पास कितनी प्रॉपर्टी थी उसको लेकर? देखिए, नंदू के पास जो अभी मुख्यतः जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट उजागर हुए हैं पूछताछ में, उसमें एक तो जो फैक्ट्री है इनकी जो बंद हो गई थी जिसको ये प्लान कर रहे थे कि हम बेचना चाह रहे हैं, दूसरा इनकी जो एक खेती की ज़मीन थी उन्होंने अभी घटना के 2-3 महीने पहले ही उसको बेचा था, और उसका पैसा जो इन्होंने गोद लिए थे उनके पास नहीं आ पाया था, एक तो वो विवाद था। दूसरा, जो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी उसमें भी कई महत्वपूर्ण कथन होने वाले थे, और इसमें काफ़ी मुख्य भूमिका मृतकों की थी, तो उस कारण भी जो मालवीय परिवार है वो काफ़ी इनसे भेदभाव विचारों में हो गया था, जिसके कारण ये सारी प्लानिंग की। फर्जी रजिस्ट्री कांड तो चल ही रहा था जिसकी जांच सीबीआई के पास ऑलरेडी थी, और इसमें कथन ऑलरेडी शुरू हो चुके थे, और नंदू और फुलवा के भी कथन आगामी दिनों में होने वाले थे। जीतू तो आरोपी है ही, वो तो फरवरी से ही आरोपी। जी, हाँ, वो भी हैं, उनका भी हम इन्वॉल्वमेंट है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।